अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी चुन चुन के टिप्स लाई हूँ और आपको ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी। तो काम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खस्ता कबाब बनाने के लिए, अगर कबाब खस्ता बनाने हो तो इसमें पकाते वक्त प्याज ना डालें, बल्कि मसाले में बारीक कुटी हुई प्याज शामिल करें। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और एक खाने का चम्मच दही मिलाकर टिक्कियाँ बना लें तो कबाब खस्ता बनेंगे। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खा लें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है पालक उबालते हुए अगर इसमें चुटकी भर खाने का सोडा शामिल कर दिया जाए तो इसका रंग तब्दील नहीं होता और जायका में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, पुदीना हरा धनिया फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर पुदीने हरे धनिया को साफ करके धोए बगैर खाके लिफाफे में लपेटकर फ्रिज में रख दें तो ये कई दिन तक तरोताज़ा रहेगा। तो ज़बरदस्ती टिप्स हैं फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। यखनी गाढ़ी करने का तरीका, अगर आप यखनी गाढ़ी करना चाहते हो तो यखनी पकाते वक्त चावलों के चंद दाने डाल दें तो यखनी गाढ़ी हो जाएगी। खीर में मेवे शामिल करते हुए थोड़ा सा कद्दूकश किया और नारियल भी डाल दें तो खीर का मज़ा दुगना हो जाएगा। खीर में अगर साबुत चावल डाले जा रहे हो तो खीर ठंडे होने पर ब्लेंड कर लें, थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, जायका बहुत मुनफरद हो जाएगा। बाज़ औक़ात खीर बनाने के बाद चावल और दूध अलग 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 नज़र आते हैं, तो ऐसे में खीर में हैंड मिक्सर डालें तो ज़बरदस्त सी खीर तैयार हो जाएगी। चेहरे की खूबसूरती में बढ़ाने के लिए बादाम, अखरोट और चुरंजी पीस कर बलाई के साथ लगाएं, इस्तेमाल करें। जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों में टखनों और हाथों के कालेपन दूर करने के लिए पेट्रोलियम जेल मलें, जिल्द के निशान दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप है जी, अगर बॉची खाने के दरवाज़ों पर खिड़कियों सुराखों में लीमू का रस निचोड़ दिया जाए तो चूंटियां भाग जाएंगी। नेक्स्ट टिप है जी, नारियल और ग्लिसरीन का मास्क तैयार कर 1 चाय का चम्मच तेल, 5 पुदीने के पत्ते और 7 पीस लें। इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ नारियल, 2 खाने का चम्मच ग्लिसरीन और 1/2 चाय का चम्मच लौंग का तेल मिलाएं और 30 मिनट चेहरे पर लगाएं और साफ पानी से धो लें। ज़बरदस्त टिप्स हैं ये भी हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है जी, आटा को कैसे ताज़ा रखा जाए। आटा अक्सर ख़राब हो जाता है, रमज़ान मुबारक में सहरी के वक्त पराठे बनाने में लगता है बहुत वक्त। ऐसे में अगर आटा गंदा हुआ और गर्मी की वजह से ख़राब हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है। रमज़ान या गर्मी के आम दिनों में भी आटा गूंदने के लिए आलू को इतने पानी में उबालें जितना से आटा गूंद जाए। आलू निकाल कर इसी पानी से आटा गूंदें और मलमल के कपड़े में सफ़ेद सिरके में भिगो कर इसे आटे के ऊपर बिछा दें, आटा कई दिनों तक ताज़ा रहेगा। लो जी, आपकी ये भी मैंने परेशानी दूर कर दी। अजवा खजूर का दरख्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाया था। अजवा खजूर दिल के अमराज, जहनी अमराज, बुखार, जिगर की सूजश और शुगर के अमराज के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट है, ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डाल दें, चेहरे पर लगाएं, इससे ना सिर्फ चेहरे के धब्बे दूर हो जाएंगे बल्कि चेहरा तरोताज़ा और निखार आएगा। तो नेक्स्ट, अंडे की सफ़ेदी लीमू का मास्क, 1 अंडे की सफ़ेद में चंद कतरे लीमू का रस मिलाएं, इसे 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं, सूख जाए तो चेहरा धो लें। ये मास्क ना सिर्फ दानों की वजह से होने वाली जलन दूर करता है बल्कि दानों के खिलाफ मज़ाहमत भी करता है। नेक्स्ट टिप है जी, रंग गोरा करने के लिए गाजर खाएं और इसका जूस पिएं और इससे रंग सुर्ख और सफ़ेद होगा। पुदीने की पत्ती लेकर उन्हें उबाल लें और पानी ठंडा करके निहार में इस्तेमाल करें। लीमू का रस चेहरे पर मलने से भी रंग गोरा हो जाता है। तो जी, गंजापन हो जाएगा। अब दूर प्याज को काटें और इसे सर पर अच्छी तरह मलें, थोड़ी देर में सर धो लें। इसमें मौजूद सल्फर बालों को घना करता है। नेक्स्ट है जी, दांतों की बीमारी के लिए सब चाय में नमकियात फ्लोराइड होता है। इसका इस्तेमाल दांतों की बीमारियों के खिलाफ अच्छा मदाफती अमल है। खाने के बाद सब चाय का इस्तेमाल मुंह की सफाई और तरोताजगी का सबब बनता है। नेक्स्ट है, प्याज को छिलकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो ज़बरदस्त टिप है जी ये भी आपके लिए। नेक्स्ट है, जोड़ों में जो काला निशान पड़ जाते हैं हाथों पाँव पे, तो घुटनों टखनों पे, और ये काला निशान दूर करने के लिए पेट्रोलियम जेल इन निशानात पे मलेंगे तो ये दूर हो जाएंगे निशान, इंशाअल्लाह ताला।
नेक्स्ट है रात अगर जल्दी नींद ना आती हो तो एक चुटकी खिशकाश एक प्याली नीम गर्म दूध में मिलाकर सोने से नहायत ही पुरसकून नींद आएगी। तो आपकी नींद का भी ये मसला मैंने हल कर दिया, आप लोग इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये तो सबके साथ ये मसला रहता है, अक्सर रात को नींद नहीं आती, तो हम ये टिप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पौधों को गमलों में कभी ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। तो ठंडी चाय अक्सर सुबह के टाइम चाय बच जाती है, वो ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद उसे गिराने से अच्छा है कि आप अपने गमलों में छिड़कें। गले की खराबी दूर करने के लिए अगर गले की खराबी आवाज़ बैठ जाए तो अदरक में थोड़ा सा नमक लगा कर रखें, नमक लगा कर खाएँ, आवाज़ खुल जाएगी। तो ज़बरदस्त जी आपके गले की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है जी मटर कैसे महफूज करेंगे। अब मौसम जैसे कि चेंज हो रहा है और मटर का मौसम आ रहा है, मटर छील कर महफूज करने हों और देगची में पानी गर्म करें। अगर 5 या 10 किलो मटर हैं तो गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 चम्मच चीनी डालें और 2 मिनट के लिए छिले हुए मटर उबाल लें और ठंडा होने के बाद महफूज करें, फ्रिज में महीनों तक खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट है बिरयानी के चावल उबालते वक्त इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें तो चावल सफ़ेद और अलग अलग रहेंगे। नेक्स्ट है जी खीरे का रस निकाल लें, चाय का निस चम्मच, ग्लास लो, इतना ही गुलाब का रस सबको मिला लें। लगाने से चेहरे पे रंग सफ़ेद हो जाएगा और रोज़ाना रात को सोते वक्त लगाने से आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरा हल्का सा ब्लीच होना शुरू हो जाएगा। तो ज़बरदस्त टिप है ये भी। घी की बदबू दूर करने के लिए घी काफ़ी देर डब्बे में बंद रखा रहे तो इसमें बदबू आने लगती है। घी की इस बदबू को दूर करने के लिए 5 किलो घी में 1 पाव दही के हिसाब से जितना घी हो इसके तनासुब से दही मिलाकर गर्म करें। जब दही जल जाए तो कदरे ठंडा होने के बाद घी को छान लें और ना सिर्फ बू दूर हो जाएगी बल्कि खुशबू आने लगेगी। तो ज़बरदस्त सी टिप है। नेक्स्ट है जी दालों के लिए अगर दाल अच्छी तरह गलानी हो तो रात भर भिगो कर रख दें। दाल उबालने के लिए देगची में पानी डालें, फिर दाल शामिल करें। जब पानी उबल जाए तो दाल शामिल करें, दाल अच्छी तरह गल जाएगी। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, पहले पानी गर्म कीजिएगा फिर दाल ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट है चने की दाल या चने को उबालने के लिए अगर थोड़ा सा दूध पकते हुए सालन में डाल दें तो 15 मिनट बाद आप चेक करेंगे कि दाल या चने गल चुके होंगे। नेक्स्ट टिप है अंडे से तली हुई चीज़ों के लिए। अंडे को जब भी फेंटे इसमें 1 चाय का चम्मच दूध और 1/2 चाय का चम्मच बेसन शामिल करें। इस अंडे में लपेट कर तलने वाली चीज़ें बेक की हुई महसूस होती है और अंडा भी महफूज रहेगा। तो अंडा बर्तन से ना चिपके इसे फ्राई करने से पहले बर्तन में थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे तो अंडा जो है आपके तवे या आपके पैन में नहीं चिपकेगा। इस्त्री पे जो निशान पड़ जाते हैं अगर इस्त्री की सतह जल जाए तो सिरके में हम मिकदार नमक मिलाकर गर्म करें, इससे ठंडी इस्त्री की सतह रगड़ कर साफ कर लें तो जली हुई सतह साफ हो जाएगी इस टिप से। नेक्स्ट टिप है जी किचन के चूंटियों से बचाएं। किचन को रात में साफ करके नमक और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा स्लिप और कबर्स चूल्हों पर छिड़क दें, इससे चूंटियां नहीं आएंगी। नेक्स्ट है मसूर की दाल को पकाने के बाद आखिरी चंद मिनटों में अगर थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो दाल की मुज़र असरात ज़ाहिल हो जाएंगे और दाल गल जाएगी जल्दी। नेक्स्ट टिप है जी कमर दर्द दूर भगाने के लिए 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच लहसुन का रस, 2 चम्मच पानी, इन सबको हम मिला लें और पिए। ऐसी खुराक सुबह शाम ज़रूर इस्तेमाल करें, इस नुस्खे से कमर दर्द ठीक हो जाएगी। तो ज़बरदस्त टिप है ये भी। और जी लास्ट टिप है हमारी ज़र्दा पकाते वक्त दम पर रखने से पहले इसमें 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर दें, इस समय से पकने वाले चावल मज़ेदार होंगे। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।